हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास रेडमी 9 पावर फ़ोन आया है, वो कम्प्लीटली डेड कंडीशन में है। तो यहाँ पे हम इसको चार्जिंग पे लगाते तो चार्जिंग पे इसका कोई भी रिस्पांस नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ना ही 0.1 या फिर 0.6 कोई भी इसमें रिस्पांस नहीं है। तो यहाँ से हम इसको पीसी में कनेक्ट करके कि पीसी में क्या हमारा पोर्ट शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हमने इसको पीसी के साथ कनेक्ट किया तो पीसी में भी फ्रेंड्स कोई भी इसका पोर्ट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका एक कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं कि VPAPT IC का जो शील्ड होता है वहाँ से शील्ड रिमूव करके दो कंपोनेंट्स को निकालते हैं तो फ़ोन ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा काम पहले किसी टेक्नीशियन भाई ने कर लिया है, VPAPT IC पे काम हो चुका है, कंपोनेंट्स भी निकला है और हमने ये IC को पहले रिप्लेस भी किया। शायद वो IC ख़राब हो गया होगा या फिर कुछ भी होगा, क्योंकि सील निकालने का टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। तो हमने IC को रिप्लेस किया, फिर भी इसमें कोई भी रिस्पांस नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ होगा कि जो टेक्नीशियन भाई ने अपने SMD की मदद से बहुत ही हीट किया होगा वहाँ पे, तो मेरे को लग रहा है कि इसका CPU MMC ड्राई सोल्डर हो गया होगा। 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 90% ये इसका CPU ड्राई हो गया होगा। क्योंकि पहले जब बोले थे कि इसमें ऑटो पोर्ट बन रहा था, अभी यहाँ पे ऑटो पोर्ट भी नहीं बन रहा है। तो इसका रीज़न हो सकता है कि CPU से कोई भी बॉल्स आपस में जुड़ गई होगी या फिर ड्राई हो गया होगा, इसके कारण अभी हमारा कोई भी पोर्ट नहीं बन रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो CPU के ऊपर जो सील लगा है, सील को आराम से रिमूव करेंगे। हमारे SMD मशीन Quick 857 DW+ है, तो हमने यहाँ टेम्परेचर रखा है 330 और एयर को रखा है 2 पे। तो यहाँ से हम जो हमारा सील लगा है सील को रिमूव करेंगे, उसके बाद CPU रिमूव की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा सील्ड कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से जो भी पेस्ट लगा है, पेस्ट को हम थोड़ा ग्लू कट करेंगे। CPU के साइड में तो पेस्ट नहीं है, MMC के साइड में पेस्ट है, तो उसको थोड़ा ग्लू को कट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो पहले प्रॉब्लम था कोई भी रिस्पांस नहीं ले रहा था, हम CPU UFS MMC रिमूव करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर अदरवाइज कोई और इश्यू है। तो यहाँ से 340 हमने टेम्परेचर रखा है और एयर को 2 पे रखा है। इसको हम अच्छे से हीटअप करेंगे, उसके बाद हल्का सा ओपनर को डालेंगे और इसको थोड़ा सा बेंड करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो हमारा CPU आराम से रिमूव हो चुका है और यहाँ पे UFS को भी रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको भी हमारा रिमूव हो चुका है। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करते हैं और इसकी प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो के साथ।
हमने सीपीयू ईएमसी को कम्प्लीटली रिबोल कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा वही बोर्ड है और यहाँ पे हमने VPAPTIC को सबसे पहले ही रिप्लेस कर दिया था, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो यहाँ से हम इसको बोर्ड में फिक्स करते हैं फ़ोन को और यहाँ से एक बार इसको ऑन करके देखते हैं, शायद बैटरी लो होगा या नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इसको पावर की को प्रेस किया, पोको लिखा आ चुका है, पोको M3 या फिर 9 पावर, दोनों सेम मदरबोर्ड ही आते हैं इसमें। तो मुझे लगा कि ये 9 पावर है लेकिन मदरबोर्ड सेम ही रहता है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा अभी यही चेक करना है कि सेकंड लोगो पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो हमें इसको कंपलसरी इसको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, तभी आगे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो एक बार हम इसको थोड़ी देर वेट करते हैं कि हमारा सेकंड लोगो पे फ़ोन जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि CPU MMC रिबोल करने के बाद काफ़ी टाइम लग सकता है फर्स्ट लोगो में। 2 या 3 मिनट तक इसको वेट करना है, ना ही आपको सीधा सॉफ्टवेयर करना है, आपको 5 या 10 मिनट तक एक बार वेट करना है। कई बार टाइम लग सकता है, कई बार टाइम नहीं लगता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर लोगो पे फ़ोन अटका रहा है तो आपको सीधा इसको सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, 5-10 मिनट को वेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारा सेकंड लोगो आ चुका है, तो अभी हम इसको कम्प्लीटली ऑन होने देते हैं या फिर सेकंड लोगो पे रिस्टार्ट तो नहीं हो रहा है, वो भी हमें देखना है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस बार वीडियो आने में बहुत ही टाइम लग चुका है, शायद 20-25 दिन हो गया होगा वीडियो नहीं डाला था। तो अभी उम्मीद करूँगा कि आपको ऐसे ही 4-5 दिन के बाद वीडियो देता रहूँगा। तो हमें जो वीडियो अभी डाल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम में भी डाल रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम में भी मेरे को फॉलो कर लेना। मैंने नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी मेरे को फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आपको रिप्ले देता रहूँगा। और मैं जो भी इसमें काम करता हूँ, मैं डेली या फिर सभी रील्स इसमें अपलोड करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।